खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। खंडहर में तब्दील हो चुका है लखीपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र। 10 वर्ष पहले निर्माण हुआ लखीपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। न डॉक्टर न नर्स, गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी 15 किलोमीटर दूर इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। लखीपुर के ग्रामीणों को हम बात कर रहे हैं राजनगर प्रखंड अंतर्गत डुमरडी पंचायत के लखीपुर गांव की, जहां पिछले 10 वर्ष पूर्व ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन डॉक्टर नर्स नहीं होने के कारण यह उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद पड़ा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी जब कोई बीमार पड़ता है तब उसे इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। तो खोलने से अच्छा होता है, और जैसे कि यहाँ गर्भवती लोग कभी एनसी जाँच जुटे वो सब भी ठीक होता है, फिर बूढ़ा आदमी सब भी है वो लोग को भी दिक्कत हो जाता है राजनगर जाने में, कौन ले जाएगा उन लोग के साथ में, तो फिर सारेकला भी दिनसादार जाने में भी दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? रीना नाथ। क्या है? नाथ। क्या सैया है? सैया तो अच्छा होगा ना, और यहाँ तो बंद ही रहता है। नहीं पहले आता था दीदी भी पहले आता था, लेकिन खोलता था लेकिन दो हफ्ता में दो बार खोलता था। हाँ पहले आता था, अभी नहीं आता। जब नया नया बना था? हाँ नया नया बना था तब आता था। डॉक्टर भी आते थे? हाँ डॉक्टर नहीं आता था, नर्स एनएमई आता है। एनएमई आता है? डॉक्टर नहीं आता है, डॉक्टर कभी भी नहीं आता। और इन दिनों जब कोरोना महामारी से पूरा देश प्रभावित है, ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण क्यों हुआ है, जब स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई और जनता को इसका लाभ ही नहीं मिला। आता नहीं है, नर्स भी नहीं आता, इसलिए इलाज के लिए बहुत दिक्कत होता है ग्रामीणों के लिए। हम लोग को सदर अस्पताल राजनगर जाना पड़ता है, 108 को बुलाना पड़ता है। कितने दिन पहले बना था ये सब? 8 साल पहले। उसके बाद क्या एक बार भी खुली है कि नहीं? एक दो बार शुरू में। डॉक्टर नर्स नहीं रहता यहाँ, आता ही नहीं। फिर यहाँ के लोग कहाँ इलाज कराने जाते हैं? सर सदर अस्पताल राजनगर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, नाम मात्र का बना हुआ है। और एक चीज़ 14वीं वित्त आयोग से सरकार ने आदेश। लेकिन अब ग्रामीण सरकार से इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस महामारी के वक्त स्वास्थ्य केंद्र क्या केवल दिखावे मात्र रहता है या फिर सच में लोगों की जरूरत और स्वास्थ्य सेवा शुरू हो पाएगी। कुछ व्यवस्था नहीं मिला है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, अगर कंटेनर आता है तो रहने के लिए हम लोग यहाँ चाहते हैं रखेंगे बोल के, तो यहाँ का तो चाबी मिला नहीं। हर जगह में स्वास्थ्य केंद्र भी रखा जाता है, जो नियम है सरकार का 14 दिन बाहर में रखने के लिए, उस सबको हम लोग अपना वैसे थोड़ा रूम बना करके रख लेते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र जब बना है रोगी के लिए बना है, ये हम लोग कह नहीं रख सकते हैं, यही हम लोग का कहना है। कब से बंद पड़ा है स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र अब बना है तो 8 साल से ऊपर होगा ही, और कब डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं ये हम ग्राम सभा में या हमारे गांव वाले लोग नहीं जानते हैं। खुला रहता है तब ना जानेंगे, कब आते हैं एक आध मिनट बैठते हैं और निकल जाते हैं, कोई यहाँ इलाज ही नहीं कर पाता है। इसलिए जब स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, ये हम लोग ग्रामवासियों को दवा और मिलने के लिए बना है ना, तो ये सब हम लोग को नहीं मिल रहा है। ये जब बना है तो हम लोग को अच्छी तरह से बनाए रहे और हम लोग को देखभाल करते रहे। क्या नाम है आपका? लॉबिन मातो। क्या है? सरायकेला राजनगर से रविकांत गोप की रिपोर्ट।